माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बीके कबीर एट फ्री यूट्यूब चैनल। शांति, हम पिछले कुछ एपिसोड्स में बात कर रहे हैं, लगातार आपकी क्वेरीज को हम ले रहे हैं, जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हो, आप कमेंट्स में जो भी लिख रहे हो, उसे हम यहाँ बैठने से पहले एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसे कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आप में से आप बहुत इजी प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ के कई बार ऐसा लगता है कि ये तो बहुत आसान है, ये तो हमने कई बार बताया है, फिर भी नहीं समझे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी हमने ज्वाइन किया है, अभी हमने राजयोग सीखा है और चीज़ें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगी, लेकिन समझने का प्रयास करना, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आप में से कई भाई बहनों ने कमेंट्स में तो पूछा है, लेकिन कुछ ईमेल्स में भी एक प्रश्न बार बार आता है कि परमात्मा से बातें कैसे करें। वेरी इजी, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वो तो दिखता ही नहीं है। चलो, हमने रिश्तों में देखे, माँ है, पिता है, बेटा है, बेटी है, युगल हैं, पति पत्नी जो भी हैं, उनसे हम बातें करते हैं क्योंकि हमें वो दिख रहे हैं, लेकिन वो तो दिखता ही नहीं, उससे बातें क्या करें। तो देखिए, सबसे पहली बात, रिलेशनशिप, रिश्ता बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कनेक्शन, और कनेक्शन से इम्पॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन। अगर हमें किसी का परिचय नहीं है तो हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, और कनेक्शन ना हो तो रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ होती है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कहता चलूं, अगर आपको परमात्मा का सही परिचय नहीं है, अगर कैसे पता चले कि हमें परिचय नहीं है, अगर आपको उससे कोई रिश्ता नहीं है, आपको बात करने में प्रॉब्लम आती है, क्या बातें उससे करें, कैसे रिश्ता जोड़ें, उसकी शक्तियों को कैसे यूज करें, तो जरूर इंट्रोडक्शन नहीं है। तो क्या करें फिर, पहले जाएं, थोड़ा समय निकालें, ब्रह्मा कुमारी इसके आश्रम में आसपास देखें, आपके घर के आसपास कोई आश्रम होगा, जाइए, निशुल्क राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, जाइए, आपको वहाँ पे फैकल्टीज मिलेंगी, उनसे बोलिए हमें राजयोग सीखना है, हमें परमात्मा के बारे में बताइए, हमें खुद के बारे में बताइए। पहली बात ये इंट्रोडक्शन, जैसे हमें परमात्मा का मिलेगा तो डेफिनेटली परमात्मा तो प्रेम के सागर हैं, शांति के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं, जैसे उनके बारे में आप सुनोगे तो उनसे हमारा कनेक्शन अपने आप ही जुड़ने लगेगा। देखो, यहाँ भी देखा गया है दुनिया में, जब हमें कोई किसी का परिचय देता है, राइट, परिचय जब देता है तो क्या होता है, अगर हमें उसका परिचय सुनने के बाद वो व्यक्तित्व पसंद आता है तो हम एक कनेक्शन उससे जोड़ लेते हैं, उसका नंबर जैसे मोबाइल में सेव कर लिया, कहते भी ना, हाँ वो कनेक्शन में है मेरे और मेरे पास उसका नंबर भी सेव है, कभी कभी हम बातें कर लेते हैं। क्यों नंबर सेव किया, क्योंकि मुझे वो व्यक्तित्व अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसका नंबर सेव किया। व्यक्तित्व बिल्कुल अच्छा ना लगे सुनने के बाद, जानने के बाद, नंबर सेव करोगे, दोबारा मिलना चाहोगे, बातें करोगे नहीं, तो सीधी सी बात है, इंट्रोडक्शन मिला, कनेक्शन जुड़ जाएगा, अच्छा लगेगा सुनने के बाद, जानने के बाद बड़ी खुशी होगी, अच्छा परमात्मा इतने प्यारे, इतने मीठे हैं, इतने शक्तिशाली हैं, जानने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, कनेक्शन जुड़ जाएगा। अब कनेक्शन को रिलेशन में बदलने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम उनसे बातें करें। अब यही पॉइंट है कि बातें करें कैसे, बातें होती कैसे हैं, ध्यान दें, बातें तीन तरीके से होती हैं। एक होती है ओरल, हम बोलते हैं, सामने वाला सुन रहा है, इसको कहते हैं ओरल। एक होता है रिटन, हम लिख के किसी को देते हैं, वो पढ़ता है, ये भी एक कॉन्वर्जेशन है। ओरल, रिटन, एक होता है माइंड टू माइंड, या कह सकते हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन। अब ये जो हार्ट है, ये किसी से बात नहीं करता, जब हम हार्ट कह रहे हैं तो हार्ट हम माइंड को ही कह रहे हैं, माइंड मतलब सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को हम हार्ट भी कहते हैं और कॉन्शियस माइंड को हम दिमाग कहते हैं, इसलिए कहते हैं दिल और दिमाग यहीं पर रखो। तो जो सोल है उसका दिल और दिमाग है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, राइट, तो ये बात करते हैं दिल और दिमाग।
तो जो हम कहें हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन या हम कहें मन से मन का कॉन्वर्जेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आप किसी को कुछ बोलो, हो सकता है वो ना सुने, आप किसी को कुछ लिख कर दो, हो सकता है वो ना पढ़े, लेकिन माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन में क्या होता है कि आप जब किसी के लिए थॉट क्रिएट करते हो तो जितनी स्पीड से आपका व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है ना, उससे भी तेज स्पीड से आपका थॉट उसके माइंड को टच करता है। अब हम सोचते हैं अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन हमें तो पता नहीं चलता। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारा माइंड किसी और के साथ एंगेज रहता है। हमारा माइंड जब किसी और के साथ एंगेज होगा और तीसरा व्यक्ति जब मेरे बारे में सोच रहा है तो वो मिस कॉल में चला जाता है। हम मिस कॉल में गया कैसे पता चलेगा? हम जब कभी शांति में बैठेंगे या सोने जाएंगे तो हमें दिन में एक बार दो बार उस व्यक्ति की सडनली याद आएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति हमें याद कर रहा है, राइट? इसको कहते हैं माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन। लेकिन वो इतने ज्यादा हमारे विचार चल रहे हैं, हमारे पर मिनट 30 से 40 विचार चल रहे हैं और हमारे पूरे दिन में हजारों विचार चल रहे हैं, अब इस विचार में कैसे पता चलेगा कि वो माइंड मेरे बारे में कुछ सोच रहा है? तो इसलिए पता नहीं चल पाता। ऐसे ही अब सिंपल माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन अगर हम सोल्स के साथ कर सकते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स के साथ, तो हम सुप्रीम बींग, सुप्रीम एनर्जी यानी परमात्मा के साथ भी फिर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि माइंड तो परमात्मा के पास भी है ना। हाँ, अब बैटरी है कि वो तो दिखता नहीं, देखने की क्या जरूरत है? माइंड टू माइंड में देखने की जरूरत है भी नहीं, राइट? हमें केवल उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, उसका रूप कैसा है, और जब हमें पता चल गया तो हम उसके बारे में भला क्यों नहीं सोच सकते, उससे हम बात क्यों नहीं कर सकते। चलो एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे आकाश में सूर्य चमक रहा है, ये सूर्य मान लीजिए परमात्मा है, ठीक है, गॉड है, शिव है, मान लो ये है परमात्मा सूर्य। अब सूर्य चमक रहा है, सूर्य एक एनर्जी है, सूर्य परम आत्मा है, यानी एक आत्मा है वो, और ऐसा ही एक छोटा सा सूर्य या एक सितारा मस्तक के बीच में, यहां आप मान लीजिए कि यहां बैठा हुआ है छोटा सा सितारा यहां पर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आत्मा, हम कहते हैं मेरी आत्मा। वास्तव में मेरी आत्मा नहीं, उसे कहा जाता है मैं आत्मा, मेरा शरीर। जब मेरा बोलेंगे तो शरीर के लिए बोलेंगे, आत्मा के लिए मेरी नहीं कहते, उसको कहते हैं मैं आत्मा। तो वो यहां बैठी हुई है और वो किसका बच्चा है? परमात्मा का। परमात्मा को हमने किस रूप में देखा? एक सूर्य के रूप में, और वो आकाश में दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए, हमने माइंड टू माइंड टॉक करना है, राइट? और तो माइंड उस सूर्य के अंदर है और माइंड इस बिंदु के अंदर भी है। माइंड कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसे दिखाया जा सके, ये देखो। इंटेलेक्ट कोई फिजिकल चीज नहीं है कि आपको दिखाया जा सके, नहीं, देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही परमात्मा में माइंड है, मुझ में माइंड है, जस्ट थॉट क्रिएट करी माइंड से। जैसे हम कह के देखते हैं, चलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे परम पिता, तो आपने किसको गुड मॉर्निंग बोला? परम पिता को। अब बड़ी बात यह है कि अगर मुझे उसका सही परिचय नहीं है तो हम उसे सामने देखकर, यानी बुद्धि से विजुअलाइज करके अंदर देखकर बोल नहीं पाएंगे। जैसे मानिए आपका बेटा है, आपका बेटा, आप इस वक्त मानो दिल्ली में है, आपका बेटा लखनऊ में है, मुंबई में है, मान लीजिए बेटा आपका लखनऊ में है, आप दिल्ली में है, आप उसके बारे में सोच सकती हैं? मन से मन उससे बात कर सकती हैं? क्यों? क्योंकि आपको उसका सही परिचय है, वो कैसा दिखता है, कहाँ रहता है ना, राइट? अभी वो क्या कर रहा होगा? झट से आप देखेंगी बुद्धि के नेत्र से, बेटा सामने, आप उससे माइंड टू माइंड कुछ बोल देंगी, है ना, मन से मन में बातें करती रहेंगी, अभी ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, अभी कैसा होगा, है ना, कई बार ऐसा भी कह देते हैं मनी मन में कि बेटा मुझे तुम्हारी याद आ रही है, या कुछ भी आप ऐसा कहती हैं, वो एनर्जी उसके पास पहुँचती है। ये सब का अनुभव है कि जब भी बच्चे को कुछ होता है माँ को सबसे पहले पता चल जाता है, राइट? तो यहाँ पर हमने अब देखना है कि परमात्मा पिता से हम कैसे बात करेंगे। तो सिंपल, ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर माइंड टू माइंड कॉन्वर्जेशन काम करेगा। अब मैटर ये आता है, बातें करने के लिए रिश्ता भी तो होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम मुझसे जो चाहे
रिश्ता जोड़ सकते हो, तुम मुझे अपने पिता के रूप में, अध्यापक के रूप में, गुरु के रूप में, मित्र के रूप में देख सकते हो। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, चलो हम परमात्मा पिता से मित्र का रिश्ता जोड़ के देखते हैं। सखा, जैसे अर्जुन के वो मित्र बने थे, तो उससे मित्र का रिश्ता जोड़ के देखते हैं। जोड़िए मित्र का रिश्ता। मित्र का रिश्ता जोड़ेंगे तो मित्र से आप क्या बात करते हैं, उसी तरीके से बात आप उससे करिए। अब शुरू शुरू में लगेगा, अरे मेरा मित्र तो बहुत ऊंचा है, मैं तो ऐसा हूं, तो कैसे बात करेंगे। तो सोच कर देखिए, अगर कोई भी आपका मित्र ऐसा व्यक्ति बन जाए जो बहुत रॉयल है और आपको उससे मित्रता करने का अवसर मिल गया, आपका वो मित्र बन गया, तो मैं श्योर हूं कि हम उससे वो सारा कचरा पट्टी नहीं सुनाएंगे जो हम नॉर्मली करते हैं, हम उससे रॉयल बातें करेंगे। वैसे ही उससे भी रॉयल बातें शुरू करिए। रॉयल बातें कैसे करेंगे, परमात्मा गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, ज्ञान के भंडार हैं वो, इन सब के बारे में सोचते हुए उससे बातें करेंगे। और इसकी शुरुआत हम करेंगे सवेरे मॉर्निंग में, जैसे आप जागें तो जागते ही सबसे पहला काम, सबसे पहला, चलो मित्र के रूप में देख रहे हैं ना, सामने एक छवि बना लीजिए बहुत सुंदर कि परमात्मा पिता मेरे सामने खड़े हैं। आप उन्हें जिस रूप में भी देखते हैं चलो उसी में देख लीजिए, या हम ऐसे देखते हैं कि देखिए जैसे प्रकाश की काया है, एंजेलिक फॉर्म, और मस्तक के बीच में परमात्मा एक सूर्य की तरह चमक रहे हैं, उनके अंग अंग से लाइट निकल रही है और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे परम पिता, तो आप देखेंगे उधर से आवाज आएगी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। फिर आप कहें आप तो प्रेम के सागर हैं, आप शांति के सागर हैं, जो कि हम गाते भी आए हैं, भक्ति मार्ग में हमने गाया है ना, लेकिन गाने के बाद हमने क्या किया, हमने उनको तो बोला आप प्रेम के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं, लेकिन मैं नीच हूँ, पतित हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, ये सब अपने लिए बोला। नहीं, परमात्मा कहते हैं जब मैं सर्वशक्तिमान गुणों का भंडार, शक्तियों का सागर हूँ, तो आप मेरे बच्चे होने के नाते नीच पतित पापी नहीं हो, आप अपने आप को अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, आपका मन सुनेगा और आपका मन जब उन बातों को सुनेगा तो आपसे अच्छे अच्छे कर्म वो कराएगा। तो अपने आप से कैसे बात करें, परमात्मा से बोला आप सर्वशक्तिमान हैं, तो खुद से कहें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। क्यों, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ, आपका मित्र हूँ, जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ, और मैं देख रहा हूँ ये सारी शक्तियाँ चारों तरफ फैल रही हैं। सिंपल, यहाँ पे देखिए मस्तक के बीच में सितारा चमकता हुआ, और जैसे बल्ब से लाइट फैलती है वैसे ही मस्तक से लाइट फैल रही है। कैसी लाल किरणें फैल रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं, देखिए मेरे पूरे कमरे में फैल रही हैं, और वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। जो घर में ये डाउन डाउन एनर्जी लगती है ना, नेगेटिव एनर्जी लगती है ना, जब कभी किसी घर में जाते हो तो आपने नोट किया होगा, उनके घर में जाते हैं अच्छा लगता है, उनके घर में जाते हैं हैवी हैवी फील होता है। ये क्या है, वहाँ रह रहे जितने भी मन जिस तरह का थॉट क्रिएट कर रहे हैं वैसा वहाँ का माहौल बन जाता है। तो हमारे घर का भी एक एनर्जी लेवल है, एक माहौल है। आप जब बैठें, अच्छी अच्छी बातें करें, जब आप उनसे बातें करें, प्यार से बातें करें, तो होता क्या है, जैसे ही हम किसी से बात करना शुरू करते हैं हमारा माइंड उससे कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होते ही हमारे माइंड में उसकी एनर्जी प्रवेश करना शुरू कर देती है। जैसे ही प्रवेश करना शुरू करती है वह एनर्जी फिर हमसे वायुमंडल में फैलने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बल्ब का तार हम पावर हाउस से जोड़ते हैं, बल्ब में लाइट आ जाती है और वो पूरे घर को प्रकाशित करने लगती है। ठीक वैसे हम जिससे भी बात करते हैं हमारा माइंड उससे जुड़ने लगता है, हम जिसके बारे में भी सोच रहे हैं हमारा माइंड उससे जुड़ जाता है, और उसका जो भी एनर्जी लेवल होता है उस वक्त हम अपने माइंड में उसे फील करते हैं, और हमसे एनर्जी चारों तरफ फैल के वायुमंडल को या तो चार्ज करती है या फिर डिस्चार्ज करती है। तो ध्यान दें कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। तो परमात्मा से हमें सबसे ज़्यादा बातें करनी है, सबसे अच्छा रिश्ता हमें उसी से जोड़ना है अपना, और ये सवेरे सवेरे करना चाहिए। सवेरे उठते ही ब्रह्म मुहूर्त, जिस समय पर जैसे 4 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ये वो समय होता है जब दो हॉर्मोन्स का एक दूसरे से मिलन होता है, जैसे कि मेलाटोनिन उस वक्त जा रहा होता है और हमारा कोर्टिसोल आ रहा होता है, मतलब ये दो हॉर्मोन है जो संगम हो रहा है जिनका। मेलाटोनिन नींद का हॉर्मोन होता है, कोर्टिसोल
हम जब जागृत अवस्था में होते हैं, कॉन्शियसनेस का हार्मोन होता है। अब ये दोनों हार्मोन इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो मतलब हम आधे जागे हुए हैं, आधे सोए हुए हैं। दिस इज द राइट टाइम टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड टू रीवायर योर न्यूरॉन्स। तो इस समय पर अच्छी अच्छी बातें करके देखिए, कमाल के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इतना मैं आपको बता रहा हूं अभी आज के दिन। कल हम और बातें करेंगे आपका इस बारे में जो अभी बातें हुई है। कोई भी प्रश्न हो या इस बारे में जो बातें भी हम कर रहे हैं इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो जरूर आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम उस पर आगे बातें करेंगे कि क्या बात ऐसी रहेगी जो आपको क्लियर नहीं हुई है, फिर हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे। और मेडिटेशन के लिए आप टाइप करिए बीके मेडिटेशन, बहुत सारी कमेंट्रीज आपको ब्रह्मा कुमारी इसके जो हमारे भाई बहन हैं उनकी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, उन्हें आप देखिए, उनके द्वारा आप मेडिटेशन करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई जी आप मेडिटेशन कराइए, तो जैसा कि आप कहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं बीके कबीर अमृत वेला, तो वहाँ भी आपको काफ़ी सारे मेडिटेशन मिल जाते हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि विचुअल्स के साथ डले होते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो चैनल है ये पूरी तरह से आपकी सेवा में समर्पित है। इस चैनल पे किसी भी प्रकार की कोई भी ऐड नहीं आती है, टोटली ऐड फ्री है। कभी कभार कोई ऐड आ जाती है तो वो यूट्यूब के अपने रूल रेगुलेशन है जिनके कारण वो कभी कभी कोई ऐड दे सकते हैं, लेकिन ये चैनल पूरी तरह से ऐड फ्री है। ईश्वरीय खजाना टीम का कोई भी चैनल आप देखेंगे, ईश्वरीय खजाना टीम जो कि एजुकेशन विंक की रिसर्च यूनिट है, और उसके जो भी चैनल्स हैं जैसे ईश्वरीय खजाना, ईश्वरीय आनंद, बीके कबीर और कई चैनल्स हैं, सभी ऐड फ्री हैं। कोई ऐड आती है तो वो यूट्यूब की तरफ से आती है, यहाँ से नहीं आती। तो आप निसंकोच इनका लाभ ले सकते हैं और खुश रहिए। इसी तरीके से कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछिएगा। ओम शांति।